आकांक्षा दुबे केस में आज बहुत अहम सुनवाई होने वाली थी। समर सिंह और संजय सिंह की जमानत याचिका पर कोर्ट में डिसीजन होने वाला था। इसके अलावा मधु दुबे के 164 का बयान और जो मधु दुबे के 164 के बयान और उसके अलावा जो रिपोर्ट मांगी गई थी सीसीटीवी फुटेज दोनों जगह के सोमेंद्र होटल और उस बार के मांगे गए थे वो सारी चीजें कोर्ट में पेश करनी थी। इस पर क्या क्या हुआ कोर्ट रूम में उसके लिए हम बात करेंगे शशांक शेखर त्रिपाठी जो कि मधु दुबे के वकील हैं। सर क्या क्या हुआ आज कोर्ट रूम में, क्या क्या डिसीजन हुआ? जी नमस्कार सर, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि जो अब तक समर सिंह इनकार कर रहे थे कि वो घटना के दिन गोरखपुर थे, तो आज जो केस डायरी आई और जो सीडीआर चूंकि कल ही रात में आई, हम लोगों को जानकारी तो कल ही रात में हुई थी लेकिन हम लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किया था इसको। समर सिंह की जो लोकेशन है वो बनारस में थी घटना वाले दिन रात को और सुबह जी। और समर सिंह अगले दिन घटना वाली रात को उनकी लोकेशन बनारस में थी, उनके मोबाइल की सीडीआर में रिपोर्ट आई है कि वो बनारस में थे। ठीक है जी। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और दूसरा ये है कि हम लोगों ने अपनी पूरी बहस की, चूंकि 164 का बयान नहीं आया था और जिला जज साहब ने 164 के बयान के बिना ही सुनना उचित समझा, तो हम लोगों ने भी कहा कि ठीक है 306 पर ही हम लोग बहस करते हैं। तो इस पर बहस हुई, हम लोगों ने सारी चीज़ें अदालत के सामने रखी और आकांक्षा के साथ उनकी 300 से ज़्यादा बार बात हुई थी पिछले 3 महीने के अंदर, जिसमें लगभग दोनों लोगों के बीच में मतलब बहुत देर तक बात हुई थी, आप समझ ही सकते हैं 300 बार की कॉलिंग अगर 15-20 दिन 1 महीने 2 महीने में तो लगातार बात हो रही थी जिससे वो लोग इनकार कर रहे थे। आकांक्षा के साथ जो समर सिंह ने गाने किए थे उन गानों में समर सिंह ऑफिशियल के नाम पर वो रिलीज हुए थे, उनके पैसे कहाँ गए? आकांक्षा के सोशल मीडिया अकाउंट्स को समर सिंह और संजय सिंह ऑपरेट करते थे, इन सारी चीज़ों का भी हम लोगों ने अदालत में अपना पक्ष रखा और अदालत हम लोगों के पक्ष से संतुष्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि जो समर सिंह का कंडक्ट है वो कंडक्ट जो है कि एक अबस्टेंडेड अभियुक्त का कंडक्ट है, क्योंकि उनको सूचना होते ही वो भागने लगे, इवन सूचना के पहले ही वो भागने लगे। उन्होंने बताया कि उस दिन वो गोरखपुर में थे जबकि उनकी बनारस में प्रेजेंस पाई गई और उसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल का सिम कार्ड भी तोड़ के फेंक दिया, उसकी सारी सूचनाएं डिलीट कर दी। तो इसका कुल मतलब ये है कि वो साक्ष्य को मिटाने का प्रयास कर रहे थे। इस स्टेज पर यदि बेल उनको दी जाएगी तो वो साक्ष्य मिटा सकते हैं, इसी नाते हम लोगों ने कहा कि अभी विवेचना प्रचलित है और अभी रिपोर्ट्स वगैरह आई नहीं है, फॉरेंसिक लैब टेस्ट रिपोर्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट ये सारी चीज़ें आ जाएं उसके बाद जो है इनके बेल होनी चाहिए। इस पर न्यायालय से हम लोगों ने अपनी बात कर दी है, उनके वकीलों ने अपनी बात कर दी है, अब देखिए क्या होता है, हम लोग ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये जो आप बता रहे हैं कि समर सिंह का लोकेशन यहाँ था, समर सिंह ने ये बात कही है, ये सब केस डायरी में मेंशन है? हाँ, ये सब केस डायरी में मेंशन है। और कॉल डिटेल ये आ गई है कि 300 से ज्यादा बार बात की है और 25-26 की रात में समर सिंह बनारस में थे। ये कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो है ये समर सिंह की आई है? समर सिंह की और केस डायरी भी आ गई है। अच्छा, इस दौरान क्या समर सिंह और संजय सिंह भी कोर्ट रूम में मौजूद थे? नहीं नहीं, समर सिंह और संजय सिंह नहीं थे, लेकिन समर सिंह और संजय सिंह के परिवार के लोग जरूर कोर्ट रूम में मौजूद थे और आकांक्षा की माँ भी अदालत में थी। अच्छा अच्छा, समर सिंह की तरफ से क्या दलील दी गई उनके वकील की तरफ से? अब देखिए ये हमारे ना विधिक प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है यह प्रश्न, क्योंकि उनके वकीलों ने जो दलील दी वो ही बताए तो अच्छा है। जी जी जी, ठीक 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 है सर। एक चीज और जानना चाहेंगे, 164 का बयान या फिर जो सीसीटीवी फुटेज सोमेंद्र होटल और वो बार का जो था वो लाया गया क्या कोर्ट रूम? हाँ हाँ, वो लाया गया पेन ड्राइव में जो है वो सीसीटीवी फुटेज सुपुर्द किया गया। जी, लेकिन 164 का बयान छुट्टी आज तक अभी तक देना था, तो उस पर क्या एक्सक्यूज था पुलिस का? अभी उस पर कुछ नहीं, पुलिस का एक्सक्यूज था कि वो हम करवा नहीं पाए हैं। और अभी आप समझ रहे हैं ना कि इस पूरे मामले में पीड़िता की माँ का बयान कराने को पुलिस किसी लेवल पर तैयार नहीं हो रही है, और जबकि ये उनका कंस्टिट्यूशनल राइट है तो उनको कराना तो पड़ेगा ही, ये 100% गारंटी है। इसीलिए मैंने जज साहब से भरी अदालत में कहा कि साहब इसी मुकदमे में मैं 302 में इसी अदालत में बहस करूंगा, लेकिन चूंकि आज 306 पे बहस होनी है
तो आज आज की बहस 306 पड़ी होगी। अच्छा अच्छा तो समर सिंह और संजय सिंह के परिवार के लोग मौजूद थे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पेशी होती है तो क्या? नहीं, पेशी नहीं, वो थ्रू काउंसिल अपीयरेंस होता है। अच्छा अच्छा तो इसमें डिसीजन आज ही शाम तक आने की उम्मीद है? आज ही शाम को 5 बजे तक आ सकता है, 6 बजे तक आ सकता है, लेकिन आज ही आ गया। मतलब बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी ये डिसीजन आज शाम तक हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने बेल खारिज करने का प्रार्थना किया है और हम लोगों को लगता है कि बेल खारिज होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।